अच्छा, अब हम फंक्शंस के लिए अगर सिमेंटिक एनालिसिस परफॉर्म करते हैं तो फंक्शंस में क्या होता है? फंक्शन में हमें कौन कौन से ऐसे एरर्स होते हैं जो हैंडल करने पड़ते हैं? जिस तरह हमने वेरिएबल्स के लिए कहा था कि रीडिक्लेरेशन हो सकती है, तो इसी तरह फंक्शंस की भी रीडिक्लेरेशन हो सकती है उनका, अगर सिग्नेचर सेम हो. अगर सिग्नेचर सेम नहीं है तो फिर वो ओवरलोडिंग होगी, वो एरर नहीं है. ठीक है, तो इसके अलावा अगर मैं कोई फंक्शन कॉल कर रही हूँ और वो डिफाइन ही नहीं हो पाया कहीं पर भी, तो दैट मीन्स कि अगर मैंने कोई फंक्शन कॉल करा है सपोज़ एफ एन, और मैंने इसको किसी पैरामीटर के साथ कॉल करा था, लेकिन इस तरह का फंक्शन कहीं पर डिक्लेयर ही नहीं हुआ है, तो फिर वो अनडिक्लेयर्ड फंक्शन का एरर देगा, अनडिफाइंड फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड का एरर देता. ठीक है, तो ये जितने भी एरर्स होंगे ये सिमेंटिक एनालाइजर इसको हैंडल करेगा. जब हम फंक्शंस की बात करते हैं किसी स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज में, जैसे कि सी लैंग्वेज है, तो वहाँ पर हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं वो मेन से पहले डिफाइंड होने चाहिए. सही, यानी कि वॉइड मेन जहाँ पर होगा उससे पहले फंक्शंस या तो डिफाइंड हों या फिर उनका प्रोटोटाइप मौजूद होना चाहिए. अगर प्रोटोटाइप मौजूद नहीं है और फंक्शन डिफाइंड भी नहीं है तो फिर वो एरर दे देगा फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड का. जबकि अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो वो फंक्शंस को दोनों तरफ सर्च करता है, ऊपर भी और नीचे भी, मेन से पहले भी और मेन के बाद भी. अगर उसे कहीं पर भी मिल जाता है तो फिर वो फंक्शंस के लिए जब हम सिंबल टेबल बनाएंगे, तो सिंबल टेबल हमने कहा था तीन चीज़ें होती हैं, नेम होता है, टाइप होता है और स्कोप होता है. तो नाम में तो फंक्शन का नाम आ जाएगा, जैसे अगर मैं सपोज़ यहाँ पर कहती हूँ कि void कोई फंक्शन था, फंक्शन वन, तो नेम के अंदर तो फंक्शन का नाम आ जाएगा. fn1 स्कोप फंक्शंस का, स्कोप ग्लोबल होता है, नेस्टेड स्कोप्स तो होते नहीं है फंक्शन के अंदर, हम फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते. तो जब हम फंक्शंस की बात करेंगे तो स्कोप जो होगा वो फंक्शंस का कुछ भी नहीं होगा, दैट वुड बी अ ग्लोबल स्कोप. ठीक है, चाहे वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो चाहे वो स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज हो. टाइप की बात जब हम करते हैं ना, टाइप में अब हमारे पास फंक्शंस की दो टाइप्स होती हैं, एक रिटर्न टाइप होती है और एक उसकी पैरामीटर लिस्ट की टाइप होती है. तो या तो हम ये कर सकते हैं कि पैरामीटर लिस्ट के लिए अलग कॉलम बनाएं और टाइप के लिए अलग बनाएं, लेकिन मैं अगर चाह रही हूँ कि एक ही सिंबल टेबल हम यूज़ कर लें वेरिएबल्स के लिए और फंक्शंस के लिए भी, तो यहाँ पर हम टाइप का एक ही कॉलम रखते हैं. और यहाँ पर हम करेंगे ये कि जो भी मेरे पास पैरामीटर लिस्ट जो आ रही है उसकी जो डेटा टाइप्स हैं वो यहाँ पर लिख देंगे कॉमा सेपरेटेड, यानी कि इंटीजर और चार, और एरो हेड लगाकर, और एरो हेड के बाद हम उसकी जो रिटर्न टाइप है वो हम वो लिख देंगे दैट इज़ वॉइड. सही है, तो अगर मुझे जब भी फंक्शन की रिटर्न टाइप चाहिए होगी तो मैं एरो हेड पे स्प्लिट करूँगी, और स्प्लिट करने के बाद जो राइट हैंड साइड पे चीज़ है दैट इज़ द रिटर्न टाइप, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे चीज़ है दैट इज़ द पैरामीटर लिस्ट की टाइप. ठीक है, तो जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो वो लुकअप किस चीज़ से करेगा? पहले वो कर रहा था नेम और स्कोप से. जब हम फंक्शंस के लिए लुकअप करते हैं तो वो फंक्शन को लुकअप करता है नेम और उसकी पैरामीटर लिस्ट से. इसकी वजह यह है कि जब हम देखते हैं कि फंक्शन उसी सिग्नेचर का डिफाइन तो नहीं है, तो हमने कहा था कि हम रिटर्न टाइप नहीं देखते हैं फंक्शंस के लिए, हम सिर्फ सिग्नेचर में जो चीज़ शामिल होती है दैट इज़ द पैरामीटर लिस्ट. सही, तो हम नेम और पैरामीटर लिस्ट से कंपेयर करेंगे जब हम लुकअप करेंगे फंक्शंस को, तो वही लुकअप का फंक्शन होगा. चाहो तो इसको कुछ और नाम दे दो, लुकअप डी कह दो या कुछ और कह दो, लेकिन यहाँ पर नेम और पैरामीटर लिस्ट जाएगी, नेम और स्कोप नहीं जाएगा. ठीक है, क्योंकि स्कोप फंक्शंस में नहीं होता. अच्छा, इसी तरह इंसर्ट जब हम कर रहे होंगे किसी फंक्शन को, तो इंसर्ट हम नेम टाइप स्कोप से कर रहे थे, अब हम किससे करेंगे? नेम, पैरामीटर लिस्ट, एरो हेड और रिटर्न टाइप से. ठीक है, तो इस तरह हम इंसर्ट करेंगे किसी भी फंक्शन को. अच्छा, ये मैंने फंक्शन प्रोटोटाइप की सीएफजी बनाई है. सबसे पहले हमारे पास रिटर्न टाइप आएगी, रिटर्न टाइप कैन बी वॉइड या फिर कोई डेटा टाइप. उससे पहले हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर भी आ सकता है, लेकिन मैं बिल्कुल एक बेसिक सी सिर्फ प्रोटोटाइप की सीएफजी बता रही हूँ. जब हम फंक्शन डेफिनेशन की बनाएंगे तो उसमें और भी चीज़ें आ सकती हैं. ठीक है, तो मैं अभी सिर्फ फंक्शन प्रोटोटाइप मैंने सेमीकोलन पे एंड कर दिया. अगर फंक्शन डेफिनेशन होगी तो उसकी बॉडी भी आएगी साथ में. फंक्शन का नाम आएगा दैट वुड बी आईडी, ब्रैकेट ओपन होंगे, ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर लिस्ट होगी, ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन. ठीक है,
पैरामीटर लिस्ट में क्या हो सकता है, कोई डेटा टाइप हो सकती है, हो सकता है वॉइड हो या हो सकता है कुछ भी ना हो, ना लो, ठीक है। अगर एक के बाद एक पैरामीटर्स होंगे तो फिर डीटी के बाद PL2 कॉल होगा, PL2 इज़ कॉमा DT कॉमा DT, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने डिक्लेरेशन में लिस्ट बनाई थी, कॉमा DT ID जिसमें हमने कॉल करा था। तो मैं अज्यूम कर ली थी मेरे पास ये इनपुट है, हम इसको पार्स करेंगे यूजिंग द पार्स ट्री, और फिर हम इस पार्स ट्री से एट्रीब्यूटेड पार्स ट्री बनाएंगे, और इस एट्रीब्यूटेड पार्स ट्री से फिर हम एट्रीब्यूटेड CFG बनाएंगे। तो ये इनपुट था, मैंने इसका पार्स ट्री बनाया फंक्शन प्रोटोटाइप की, जो ऊपर CFG गिवन थी उसी से हमने पार्स ट्री बनाया। रिटर्न टाइप DT होगी, DT दैट इज़ एंड, ID से FN मिल जाएगा ब्रैकेट, फिर DT एंड, देन कॉमा, कॉमा आ गया, DT फ्लोट आ गया, कॉमा आ गया, DT चार आ गया, और आखिर में मैं नल सेलेक्ट कर लूँगी, ब्रैकेट क्लोज एंड सेमी कोलन, ठीक है। तो इसका मतलब है ये इनपुट पार्स हो रहा है। अच्छा, अब एट्रीब्यूटेड CFG बनाने के लिए हमें सिंबल टेबल में क्या क्या चीज़ें एंटर करनी थी, हमें फंक्शन का नाम एंटर करना था, और उसके साथ हमने कहा था पैरामीटर लिस्ट होगी, एरो हेड के बाद उसकी रिटर्न टाइप होगी, ठीक है। तो हमें ये सारी चीज़ें चाहिए, नेम चाहिए, पैरामीटर लिस्ट चाहिए और रिटर्न टाइप चाहिए। जैसे ही मुझे यहाँ से DT पता चला तो मुझे पता चल गई होगी इसकी रिटर्न टाइप क्या है। तो मैं यहाँ पर कह देती हूँ रिटर्न टाइप इज़ RT इक्वल्स टू DT का वैल्यू पार्ट, ठीक है। ये जो भी रिटर्न टाइप होगी ये इसको पास कर देगा RT के नॉन टर्मिनल को। तो मैं यहाँ से कह देती हूँ इसका एट्रीब्यूट है RT, जो यहाँ से मिल रहा होगा, सही है। जैसे ही मुझे ID पता चला, मुझे नाम पता चल जाएगा फंक्शन का, दैट वाज अनदर थिंग जो सिंबल टेबल में डालनी है, जो ID का वैल्यू पार्ट है, सही। तो मुझे नाम पता चल गया, रिटर्न टाइप पता चल गई, नेक्स्ट चीज़ जो मुझे मालूम करनी है दैट इज़ द पैरामीटर लिस्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी जैसे ही मुझे पैरामीटर लिस्ट मिलेगी और मैं सिंबल टेबल में एंट्री कर दूँगी। तो जैसे ही ब्रैकेट ओपन हुए, पहला अगर मेरे पास सपोज़ दो रूल्स हैं पैरामीटर, तीन रूल्स हैं, या तो DT आता है, वॉइड आता है, नल आता है। अगर वॉइड या नल में से कोई चीज़ आती है तो पैरामीटर लिस्ट का मतलब होगा कि उसमें वॉइड है, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन अगर DT आ जाता है तो इसका मतलब है कि पैरामीटर लिस्ट में कुछ है। जैसे जैसे अब इनिशियली मैं अज्यूम कर लेती हूँ मुझे पैरामीटर लिस्ट नहीं पता, जैसे ही ब्रैकेट ब्रैकेट्स ओपन हुए तो मैं इस पॉइंट पे अज्यूम कर लेती हूँ कि पैरामीटर लिस्ट जो है वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। इस एम्प्टी स्ट्रिंग में हम अपेंड करते रहेंगे जैसे जैसे मुझे DT मिलता जाएगा। जैसे मुझे अगर यहाँ पर DT मिला तो मैं यहाँ पर कह दूँगी कि जो जो भी उसकी टाइप है PL जो है उसमें हम अपेंड कर देंगे DT का वैल्यू पार्ट, और ये जो अपडेटेड PL होगा, सही है, दैट इज़ द पैरामीटर लिस्ट, इनिशियली एम्प्टी स्ट्रिंग थी, जैसे ही मुझे DT मिला मैंने उसमें अपेंड कर दिया उसका वैल्यू पार्ट, यानी कि एंड, ठीक है। जैसे ही अपडेट हुआ ये इसको आगे पास कर देगा PL2 को, यानी कि PL2 के पास जा रहा होगा PL। यहाँ पर अब PL क्या होगा, इनहेरिटेड एट्रीब्यूट या सिंथेसाइज एट्रीब्यूट, ठीक है। ये कौन सा एट्रीब्यूट होगा, इनहेरिटेड एट्रीब्यूट। यहाँ पर अगर हम RT की बात कर रहे थे, RT रिटर्न टाइप नीचे से ऊपर जा रहा था ट्री में, दैट वॉज सिंथेसाइज एट्रीब्यूट, ठीक है। तो PL हम सिबलिंग टू सिबलिंग पास कर रहे हैं, दिस इज़ इनहेरिटेड एट्रीब्यूट। ये यहाँ से पैरामीटर लिस्ट को आगे फिर अपडेट करेगा, जैसे ही इसे DT मिला इसने अगेन इसके अंदर अपेंड कर दिया, प्लस इक्वल कर दिया इसका वैल्यू पार्ट, और ये जो अपडेटेड वाला PL था ये इसको पास कर दिया PL2 को, ठीक है। अगेन PL2 के पास DT आ रहा है, तो DT का जो भी वैल्यू पार्ट होगा वो इसमें अपेंड कर देगा, और ये जो अपडेटेड PL होगा ये पास कर देगा अगेन PL2 को। अच्छा, अब ये कब तक अपेंड करता रहेगा, करता रहेगा अपेंड, जब तक कैसे पैरामीटर मिलते जाएंगे, कब तक करेगा, जब तक कैसे नल नहीं मिल जाता। जैसे ही इसको नल मिल गया, नल मिलने का मतलब है कि अब मेरे पास जो पैरामीटर लिस्ट है ये कंप्लीट हो गई है, सही। तो अभी तक वो इनकम्प्लीट थी, उसमें हम अपेंड कर रहे थे चीज़ें, तो इसके लिए मैं कह देती हूँ हम एक और एट्रीब्यूट ले लेते हैं, दैट इज़ AL। तो PL वॉज इनकम्प्लीट लिस्ट, और AL जो हमारी फाइनल लिस्ट होगी, जो कम्प्लीट लिस्ट होगी, और ये कम्प्लीट लिस्ट मुझे जब भी मिलेगी जब PL2 नल होगा, सही है। तो जैसे ही PL2 नल होता है तो AL जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, PL के बराबर। अदरवाइज जो PL हम पास कर रहे थे दैट वॉज इनकम्प्लीट पैरामीटर लिस्ट, हमें नहीं पता वो कब कम्प्लीट होगी, तो इसलिए मैंने दूसरा एक एट्रीब्यूट बना दिया, दैट इज़ AL। और AL जब मुझे पता चलेगा जैसे ही PL2 नल होगा, उस वक्त तक AL मुझे नहीं पता था, तो जैसे ही अब AL पता चला तो वो AL को यहाँ से अपने पेरेंट को भेज देगा PL2 को, PL2 अपने पेरेंट को भेजेगा PL2 को, सही है। तो AL इसका मतलब है कौन सा एट्रीब्यूट होगा, नीचे से ऊपर जा रहा है ट्री में, दिस इज़ एन सिंथेसाइज एट्रीब्यूट, ठीक है।
तो इसी तरह यहाँ से फिर पीएल और एएल ऊपर जा रहा होगा। ये पीएल इनकम्प्लीट लिस्ट थी और एएल इज़ द कम्प्लीट लिस्ट, सही है। तो इसका मतलब है कि मुझे अब यहाँ पर इन्फॉर्मेशन कम्प्लीट हो गई है। तो इस पॉइंट के ऊपर मैं यहाँ पर कह देती हूँ, मैं स्टेरिक बना रही हूँ। यहाँ पर हम दोबारा से वही काम करेंगे, हम सिंबल टेबल में लुकअप करेंगे, और लुकअप करने के बाद लुकअप हम किस चीज़ से करेंगे, नेम और पैरामीटर लिस्ट, दैट इज़ एएल नॉट पीएल, ठीक है। एएल वाज़ द फाइनल लिस्ट, नेम और पैरामीटर लिस्ट से। और लुकअप का फंक्शन अगर मुझे नल रिटर्न कर देता है, इक्वल इक्वल नल होता है, तो फिर वो क्या करेगा, इंसर्ट, इंसर्ट किस किस चीज़ को करेगा, नेम कॉमा पैरामीटर लिस्ट दैट इज़ एएल, अपेंड कर देंगे एरो हेड इसके साथ, और एरो हेड के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, रिटर्न टाइप जो हमें पता थी यहाँ से आरटी, ठीक है। वो इन सारी चीज़ों को इंसर्ट कर देगा सिंबल टेबल में। अदरवाइज़ वो क्या कहेगा, एल्स, अगर ये ऑलरेडी नेम और पैरामीटर लिस्ट मौजूद होता है सिंबल टेबल में, तो वो कह देगा री डिक्लेरेशन एरर। सही है। तो ये हमारा इसका एट्रीब्यूटेड ट्री कंप्लीट हो गया। दोबारा से मैं एक दफ़ा बता रही हूँ, हमारे पास रिटर्न टाइप आया था, तो यहाँ से मुझे डी टी से रिटर्न टाइप पता चल गया था आर टी, सही है। आई डी जैसे ही आया मुझे नाम पता चल गया। जैसे ही पी एल के अंदर गया, तो पी एल इनिशियली एक एम्प्टी स्ट्रिंग थी, तो हमारे पास पी एल में दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक पी एल और एक ए एल है। पी एल इनकम्प्लीट एट्रीब्यूट है, इनकम्प्लीट लिस्ट है पैरामीटर्स की, और ए एल जो फाइनल लिस्ट होगी, ठीक है। तो इनिशियली पी एल एम्प्टी है, उसमें कुछ नहीं है। ये पी एल को आगे पास करेगा पी एल टू को अपडेट करके, यानी कि जब मेरे पास डी टी आया होगा, तो वो पी एल में अपेंड कर देगा उसका वैल्यू पार्ट, जो अपडेटेड पी एल होगा ये आगे पास कर देगा पी एल टू को। पी एल टू अगेन उसे अपडेट करेगा, अपडेट करके आगे भेजेगा, फिर अपडेट होगा, फिर वो आगे भेजेगा। जैसे ही नल होगा, तो अब मेरे पास जो पैरामीटर लिस्ट है दैट इज़ द फाइनल लिस्ट, और वहाँ से मैं कह दूँगी दैट इज़ ए एल। और ये जो भी ए एल होगा, ये ए एल को यहाँ से अपने पेरेंट को देगा, ये अपने पेरेंट को देगा, और ये अपने पेरेंट को देगा, और यहाँ पर ए एल आ जाएगा, ए एल इज़ द फाइनल लिस्ट, ठीक है। तो मैं सिंबल टेबल में रिटर्न टाइप, नेम और ए एल, ये तीनों चीज़ें इंसर्ट कर दूँगी, सही। तो अब मैं इसको रब कर रही हूँ, मैं जो सी एफ जी थी मैं उसको अपडेट कर रही हूँ, उसको एट्रीब्यूटेड ग्रामर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, सही। तो ये मेरा पहला रूल था फंक्शन प्रोटोटाइप का। पहली चीज़ जो मुझे मिल रही है दैट इज़ द रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप का नॉन टर्मिनल मुझे रिटर्न टाइप रिटर्न करके देगा, ये सिंथेसाइज एट्रीब्यूट है, ठीक है। अभी रिटर्न टाइप मुझे नहीं पता, वो मुझे रिटर्न टाइप का नॉन टर्मिनल रिटर्न करके दे रहा होगा। आईडी से मुझे नाम पता चल जाएगा। पीएल मैं इनिशियली अज्यूम कर लेती हूँ एम्प्टी स्ट्रिंग है, और पीएल का जो नॉन टर्मिनल है हम उसको पीएल पास कर रहे हैं, और ये मुझे रिटर्न करके क्या दे रहा है, एएल, ठीक है। अच्छा, अब मैं पीएल का जो पहले रिटर्न टाइप का नॉन टर्मिनल देख लेता है। रिटर्न टाइप का जो नॉन टर्मिनल था उसमें दो चीज़ें थी, या तो वो वॉइड होता है, अगर वो वॉइड होता है, अगर वो वॉइड होता है, इसका रूल था, अगर वॉइड होता है तो फिर रिटर्न टाइप जो होगी, जो उसका एट्रीब्यूट है आर टी, दैट वुड बी वॉइड, सिंपल, ठीक है। और दूसरा जो उसका रूल था, या तो वो डी टी होता है, अगर वो डी टी होता है तो रिटर्न टाइप वुड बी उसका वैल्यू पार्ट। इसी तरह हम पी एल बना देते हैं। पी एल का नॉन टर्मिनल था, पी एल में तीन चीज़ें थी, या तो डी टी होता है, अगर डी टी होता है तो फिर टाइप मुझे पता चल जाएगी डी टी से, जो डी टी का वैल्यू पार्ट होगा, ये पी एल को अपडेट करेगा, जिसको यहाँ से मिल रहा था ऊपर से इनहेरिटेड एट्रीब्यूट था, और ए एल ये हमें बता रहा होगा, ठीक है। पी एल को अपडेट कर देगा, प्लस इक्वल कर देगा उसमें टाइप को, जो यहाँ से मुझे मिली है, और ये जो अपडेटेड वाला पी एल है ये आगे पास कर देगा फिर पी एल टू को। सही है, पी एल ये दे रहा होगा और ए एल इसे मिल रहा होगा, सही। दूसरा रूल क्या था, कि या तो ये वॉइड होता है, अगर वॉइड होता है तो सिंपल मैं यहीं पर लिख रही हूँ ए एल इक्वल क्या हो जाएगा, वॉइड, पैरामीटर लिस्ट कुछ नहीं होगी। या फिर हो सकता है कि फंक्शंस के हम ब्रैकेट खाली छोड़ देते हैं, नल होता है, इन दैट केस ऑल्सो ए एल जो होगा वो वॉइड ही होगा।
अब आ जाते हैं PL2 पे। अगर PL2 पर हम देखते हैं, PL2 में हम दो एट्रीब्यूट्स इसको दे रहे हैं, PL हम इसे दे रहे हैं और AL ये हमें देगा रिटर्न करके। अगेन PL2 में वही काम हो रहा था, कॉमा DT, जैसे ही DT आएगा तो वो PL को अपडेट कर देगा, PL को अपेंड कर देगा प्लस इक्वल DT का, या मैं यहाँ पर लिख देती हूँ टाइप इज इक्वल्स टू DT डॉट वैल्यू पार्ट, PL प्लस इक्वल कर देगा टाइप, ठीक है। और अगेन कॉल हो रहा था PL2, अगेन यही काम होगा। PL जो अपडेटेड वाला था ये से भेज रहा होगा और AL ये से रिटर्न करके दे रहा होगा, या फिर ये नल होता है। PL2 अगर नल हो रहा था तो वहाँ पर हम कह रहे थे कि हमें फाइनल लिस्ट मिल जाएगी AL, दैट वुड बी इक्वल्स टू PL इन दैट केस, ठीक है। तो ये हमारी एट्रीब्यूटेड ग्रामर है फॉर फंक्शन प्रोटोटाइप।